मुझे मरना नहीं है। इसी प्रकार तो बात है ना, वैद्य भी अगर सोचते नहीं कि भाई ये क्यों बनाया गया और उसके तरफ हिसाब से करते नहीं तो क्या, अरे पढ़ाई अरे को गोली शुरू बंद नहीं, वैद्य भी देते नंबर लगा और इंटीग्रेटेड वालों ने तो मार ही दिया, वो तो उनको आयुर्वेद भी समझा नहीं है ना, आयुर्वेद तो बिल्कुल समझा नहीं, ऐसी परिस्थिति उन्होंने तीन चार हमारे बीच में क्या करे, और प्रगत वैद्य कसूर में चीटिंग है दूसरा पद में ये था। और जैसा इसके बारे में बताए ब्लड प्रेशर क्या है, अरे पित्त का है रक्त ज्वर के बारे बाद में रक्त पित्त का अध्याय है क्यों बनाया हो, ये रक्त पित्त ब्लड प्रेशर है दूसरा कुछ नहीं, और ब्लड प्रेशर रक्त पित्त अगर है वॉल्यूम बढ़ने जाने से तो फिर रक्त पित्त की चिकित्सा उसको हर शरीर ऋतु में अगर वासा वृत्त 50 ग्राम 5 दिन विरेचन बस्ती लेते हैं तो एक बरस भर उसको ब्लड प्रेशर होगा नहीं, इसकी गारंटी है, कितना आसान है तो फिर एक बरस भर में, और फिर बाद में तो साफ सफाई तो करनी अपनी पकवा से में अगर दोष है तो वर्षा के पहले बस्ती ले ही नहीं लेने पड़ा, साफ सफाई हो जाएगी तो एक बरस भर उसको हार्ट अटैक आएगा नहीं, क्योंकि पकवा से में दोष संचित होने से आपान आवरण करता है रक्त पे और व्यायाम का भी आवरण हो जाता है, इसलिए हार्ट अटैक आता ना, वो तो धीरे धीरे गाढ़ा रक्त हो जाता है और फिर ब्लॉकेज उत्पन्न होता ऐसा होता है, तो फिर वो तो आपान का अनुलंबन हो गया, आवरण बंद हो गया तो सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, फिर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक करने की क्या जरूरत है, सोचते नहीं उनके पास, और वो सोचते हैं कि हमारे जो इतना हार्ट का यह करते हैं इसका हार्ट ले दूसरे को बैठाते बैठ इसका प्लेट पैंक्रिया दूसरे को बैठाते इसका लीवर निकालते इसको बैठाते और उससे क्या वैद्य का शास्त्र की प्रगति होगी क्या, और बैठाएंगे तो कितने लोगों को बैठाएंगे, सबको बैठाएंगे मुश्किल है। इतनी तो सारी बात तो ख्याल नहीं रहती हर एक को, अरे 70% तुम्हारा ब्लॉक है 90% है कर लो जल्दी नहीं तो मर जाएंगे, मरना तो हर एक को ही है। तो फिर उसको अगर बोले कि भी अरे एक बस्ती दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बस्ती ले लो, गलती से भी बस्ती दिया तो हार्ट अटैक आता नहीं, तो फिर वो जो कर्म बस्ती काल बस्ती ये जो अपन लेते हैं उससे तो बिल्कुल पूरा हार्ट अटैक ठीक ही हो जाता है, उसके लिए एंजियोग्राफी करनी पड़ती नहीं, एंजियोप्लास्टिक करनी पड़ती, इतने पैसे भी बच जाते होंगे, बहुत पैसे लगते हैं, और जो श्रीमंत के हार्ट है वही दुरुस्त वो तो ठीक है ना, गरीब लोग बेचारे बच गए पैसे नहीं, पर तो भी क्या करते है सरकार से मांगते हैं इधर से मांगते हैं मेरा हार्ट खराब हो गया तो भाई क्या करे। फिर वो हार्ट की ट्रीटमेंट करते और एंजियोग्राफी करते बायपास करते बायपास भी कर ले। थोड़ा पानी खाने देना मैं अभी खा रहा हूं ये ले ले। तो ये इसी वजह से तो फिर ये ट्रिपल एंटीजन अगर आप सोचेंगे ये करने की व्यवस्था दवाखाने में जो है वही आयुर्वेदिक चिकित्सालय और पंचकर्म चिकित्सालय है, बाकी तो पार्टी लगी हुई होती है और बाकी के इंजेक्शन एलोपैथी की ट्रीटमेंट चलती है कुछ भी करते हैं लोग और उसको आयुर्वेद बोलते हैं, ऐसा है सत्य यानी कि सत्य ही है, इसलिए ट्रिपल एंटीजन भी नहीं करेंगे तो क्या फायदा करके बताओ लोगों को, अरे वो 3 हफ्ते के बाद नहीं रहता किसी को भी नहीं रहता, इसलिए बताएंगे तो भी लोग मानेंगे नहीं कि वो यार डायबिटीज नहीं रहता, बना इनके पास ही जाओ
आणि हे तो पथ्य तो पाळणा पडेगा. पथ म्हणजे रस्ता, पथ्य म्हणजे रस्त्याने चालले की नियम. आप बोलेंगे कि 10 दिन पथ्य पालेंगे और बाद में नहीं पालेंगे. एक दिन रस्ते के नियम पालेंगे, बाकी बीच में आके खड़े रहेंगे, इसी को बोलेंगे जाओ उधर. ऐसा करेंगे क्या? वो तो करना ही पड़ेगा. और रोज घर झाड़ते हैं तो अच्छा लगता है, लोग आते हैं, अच्छा भला आदमी है, साफ सुथरा रखता है, आके बैठते उनको आनंद आता है कि नहीं? लेकिन रोज घर झाड़ते हुए भी दिवाली के टाइम कितनी गाने निकलती, वो नहीं करेंगे. वो बोलते अगली दिवाली वो करेंगे, ऐसा नहीं. घर साफ सुथरा ही करते हैं, मोटरसाइकिल साफ साफ सफाई करते हैं, है ना? इतने सब साफ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ओवरऑलिंग करते हैं, गाड़ी को भी सर्विसिंग करते हैं, और शरीर को कुछ नहीं करते. इसलिए भागवत ने पहले अध्याय में ब्रह्मे मूर्तम उत्तिष्ठे शरीर चिंता निर्वर्त कृत सच्च. पहले देखना है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ज्यादा मटेरियल हो गया होगा तो निकालो, फिर बाद में शरीर का उपयोग करना. ये रोजाना करने की बात है. साफ सफाई खाली मोदी ने बोला है करके नहीं. मोदी ने बोला कि जा ठंडा सुन जाओ, बाहर नहीं जाना. वो तो बात बरोबर है, लेकिन अपन ने भी संडास में जाके बोल बस्ती की व्यवस्था करनी पड़े हमेशा. ऐसा है, बस्ती की व्यवस्था करेंगे हर एक के घर में. कुछ नहीं, संडास के बाजू में एक कड़प्पा डाल देना, उसके सोचो कि संडास में इतनी व्यवस्था हुई, बस्ती की व्यवस्था हुआ, सब एक पार्टी में सब सामान उसका, बस बस्ती का सामान हुआ. क्यों संडास हुआ जब तक ये संडास नहीं? हर एक ने ये ख्याल में रखा, कुछ गड़बड़ है तो बस्ती ले लेना, हफ्ते में एक मरतबा दो मरतबा, क्या नुकसान है उसमें? तो खुद वैद्य भी बच जाएंगे, उनको हार्ट है तो भी नहीं, हार्ट अटैक आएगा, हार्ट नहीं तो नहीं. और फिर ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा और डायबिटीज नहीं होगा. ये ट्रिपल एंटीजन की बात, ज्यादा ख्याल रखने पड़ा. और तीन रोग गए कि बाकी के रोग तो अपने दोषों के हिसाब से बहुत जल्दी अपन ठीक कर सकते हैं. उसका कुछ नहीं, शाखागत दोष कोष्ठ में आना, कोष्ठ में जो दोष, ये जो कंसेप्ट है खाली आयुर्वेद का, दूसरा किसी बात नहीं है. ये जो सब बातें, ये बातें कॉलेज के अस्पताल में हो गए और सबको पंचकर्म होने लगेंगे तो सिविल अस्पताल बंद पड़ जाएंगे. कॉलेज वाले इतने हैं, इनके सब हॉस्पिटल इतने लगेंगे, लेकिन कोई सोचता नहीं इसके बारे में. कभी भी किसी को थोड़ा सा गेहूं दे देते और बता सकता ये सुनो मैंने इसका बस्ती होता है. अरे नहीं भाई, अरे को देना है कितना पंगू.